बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फराज है। फराज साहब, कहाँ से आए थे आप डॉक्टर नसागर के पास? हम वैसे तो भटकते भटकते आए थे, हमें इनका बताया तो हम इनकी तरफ आए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए। ठीक है, हुआ क्या था सर आपको? मुझे पहले जॉइंटिस हुआ था। ठीक है, और हम पहले इधर उधर भटकते रहे सारे एलोपैथिकों के पास, फिर हम किसी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि आपको लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस है, मतलब लिवर आपके ट्रांसप्लांट होने थे। उन्होंने फिर बाद में, मतलब पहले ये करते रहे तो मेरा बाइलो रिबन बढ़ता रहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी, वो शुरू में वो बोलते रहे कि जी लिवर ट्रांसप्लांट का यहाँ पाकिस्तान में मसला है, यूँ है, हो जाता है। ठीक है, हम बढ़ता रहा, घबराए कि ये किस तरह की बात करें कि भाई मैं तो अपने पैरों पर चल फिर के आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर वो आपका अल्लाह भला करे, फिर जैसे ही इधर उधर धक्के खाते खाते हम यहाँ पे। डॉक्टर नसागर का आपको किसने बताया था सर? हमारे एक जान पहचान वाले हैं, हारून साहब। ठीक है, उन्होंने हमें बताया था। ठीक है, डॉक्टर नसागर के इलाज से जो आपको टाइम लगा, तकरीबन कितने टाइम में जो आपका लिवर ट्रांसप्लांट का जो केस था वो बिल्कुल हल हो गया, अब ज़रूरत नहीं है लिवर ट्रांसप्लांट की? डेढ़ महीने के अंदर मेरा जो बाइलो रिबन था वो 33.9 था। ठीक है, ठीक है। और मतलब इस डॉक्टर के पास भी जाता था, वो बोलते थे कि भाई तुम एडमिट हो जाओ, बस तुम एडमिट हो जाओ। सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा बाइलो रिबन जो है तकरीबन 1.87 पे आ गया। इसके अलावा और सारी चीज़ें भी नॉर्मल हैं? सब चीज़ें तकरीबन नॉर्मल। और इसके अलावा आप खुद अपनी तबीयत किस तरह बेहतर महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह, पहले तो खाया पिया भी नहीं जा रहा था, अल्लाह का शुक्र है मैं खा भी रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहब का नसागर का जो इलाज है उसका तरीक़ेकार क्या था, परहेज़ क्या बताया आपको? भाई उन्होंने तो मतलब सिर्फ खाने के लिए मुझे बोला प्रोटीन खाना, उसमें मैंने मतलब सारे देसी आइटम बोले। ठीक है, जड़ी बूटियाँ जैसे सब्ज़ी हो गई, मतलब सब्ज़ी वगैरह, कन्फेक्शनरी आइटम उन्होंने बोला बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, मतलब आपने बिल्कुल लग के परहेज़ किया। और इसमें अर्सा कितना लगा, कितने अर्से में आप बिल्कुल सही हो गए? डेढ़ से दो महीना लगा मुझे। डेढ़ से दो महीने में आपका जो लिवर सायरोसिस था और डॉक्टर्स ने जो आपने जहाँ पहले दिखाया उन लोगों ने कहा कि आपका ट्रांसप्लांट होगा लिवर का और पाकिस्तान में मुश्किल आ रहा भी गया था उनमें से एक डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है मेरे पास आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अब आप 15 दिन बाद अपना फाइब्रो स्कैन कराएं। ठीक है, अपनी डाइट अपने जैसे रखी हुई है वैसे ही रखें। ठीक है, और स्कैन कराएं और फिर अपना रिजल्ट खुद देख लें, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्यों मना किया कि मेरे पास नहीं आएगा? क्योंकि जब मैंने उनको LFT की रिपोर्ट दिखाई लास्ट, ठीक है, तो उन्होंने वो देखा, थोड़ा सा चेकअप किया तो उनको ऐसा लगा कि भाई, उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुम्हें सिरोसिस था ही नहीं, फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट है ना।